हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि 6 स्विच और 3 सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेड कलर का वायर लिया हूँ। इस रेड कलर का वायर की मदद से मैं सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को एक दूसरे से अटैच करेंगे। देखिए इस प्रकार से जो मेरा 6 स्विच है, 6 स्विच को मैं नीचे वाले टर्मिनल को इस प्रकार से मैं लुक कर दे रहा हूँ। केबल को अच्छी तरह से काट करके उसे कवर को हटा करके यहाँ पर 2 वायर लगाया हूँ। यहाँ से 2 वायर जोड़ करके एक वायर मेरा नीचे स्विच जो है 4 स्विच उसके नीचे वाले टर्मिनल में लुक होगा। तो इस प्रकार से देखिए लुक हो रहा है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं अच्छी तरह से उसे टाइट कर ले रहा हूँ। टाइट करने के बाद उसके बगल में जो स्विच है उस टर्मिनल पे लगाऊंगा। वहाँ पर भी लगाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं उसे अच्छी तरह से सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है। कोई स्क्रू को लूज नहीं रखना है ताकि बोर्ड में स्पार्क ना हो सके। बारी बारी से सभी स्विच को मैं उसी तरह से लगा ले रहा हूँ। मेरे पास रेड कलर का वायर था, आपके पास जो होगा वो ले सकते हैं। ये मेरा लास्ट स्विच है। लास्ट स्विच पे भी मैं 2 ही वायर को कनेक्ट करूँगा। एक वायर वहाँ से फेस के लिए भी मेरा निकल जाएगा जो इस बोर्ड का फेस वायर होगा। देखिए कनेक्शन मेरा फेस का हो गया है और इस बोर्ड से फेस वायर भी निकल गया। उसके बाद मैं न्यूट्रल का कनेक्शन करूँगा। तो न्यूट्रल के लिए मैं ग्रीन कलर का वायर लिया है। देखिए मैं 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल और टर्मिनल पर मैं उसे लुक कर दे रहा हूँ। लुक करने के बाद जो उसके नीचे ठीक नीचे 5 पिन सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर मैं लुक करूँगा। केबल को कट करके अच्छी तरह से मैं दोनों कवर को हटा ले रहा हूँ और उसके बाद मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर इस केबल को लगा करके कस ले रहा हूँ। और उस केबल को मैं लेकर के चले जाऊँगा सीधा जो मेरा एक बगल में ऊपर साइड में जो मेरा 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पे भी हम केबल को काट करके अच्छी तरह से जोड़ेंगे और वहाँ पर भी हम दोनों वायर को जोड़ेंगे ताकि यहाँ से मेरा एक वायर न्यूट्रल के लिए बाहर निकल सके। तो देखिए इस प्रकार से मैं इस केबल को जोड़ ले रहा हूँ। जोड़ने के बाद यहाँ से एक केबल न्यूट्रल मेरा बाहर निकलेगा। देखिए फ्रंट से मेरा न्यूट्रल और फेज वायर बाहर निकल गया है। तो देखिए मेरा बोर्ड का वायरिंग अभी आधा अधूरा हुआ है और मैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर मैं एक रेड कलर का वायर जोड़ ले रहा हूँ और उस टर्मिनल को मैं लेकर के चले जाऊँगा उसके बगल में जो 5 पिन सॉकेट है उसके एल वाले टर्मिनल पे। तो उतना बड़ा मैं केबल को काट कर ले रहा हूँ। कट करने के बाद वहाँ से अच्छी तरह से कवर को हटा करके मैं स्क्रू ड्राइवर के मदद से मैं वहाँ पर कस ले रहा हूँ। कसने के बाद फ्रेंड्स ये मेरा एक सॉकेट और एक स्विच का कनेक्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो मेरा दूसरा 5 पिन सॉकेट है जिस स्विच से कनेक्ट करना है वहाँ से एक केबल जोड़ करके लाएंगे और 5 पिन सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल पर। देखिए तो सबसे पहले मैं 5 पिन सॉकेट में फेस वाले टर्मिनल पर लुक कर ले रहा हूँ। वहाँ से करके उसके बगल में जो स्विच है मैं उसी स्विच से कनेक्शन करूँगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मैं लगा ले रहा हूँ और स्क्रू ड्राइवर के मदद से मैं उसे अच्छी तरह से कस ले रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो मेरा लास्ट 5 पिन सॉकेट है वहाँ पर भी एक लगा करके और जो मेरा ऊपर में एक स्विच है वहाँ पे कनेक्शन कर ले रहा हूँ। तो ये कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड्स मेरा इस बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो गया है। देखिए इस प्रकार से मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है और इस बोर्ड को मैं चेक करूंगा कि बोर्ड मेरा कैसा ऑपरेट कर रहा है। तो देखिए मैं बोर्ड में अब सप्लाई भी देने जा रहा हूं। बोर्ड ये मेरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। बोर्ड में मैं सप्लाई दे दिया हूं और चार्जर लगा करके चेक कर रहा हूं कि मेरा बोर्ड कैसा कर रहा है। देखिए मेरा बोर्ड बिल्कुल फाइनल अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।